हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का पैक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी एसेंशियल एक्सेसरीज की जो आपकी कार में होनी चाहिए। इस एक्सेसरीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज आज के टाइम में ये एक्सेसरीज आपको काफी हेल्प कर सकती है। मैं इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट इस वीडियो में हम कुछ और एक्सेसरीज कवर करेंगे जो आपकी कार में होनी चाहिए। एंड ये एक्सेसरीज आपकी कार को सिक्योर तो बनाती है, साथ ही साथ आपकी लाइफ बहुत ईजी कर देती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इन एक्सेसरीज के बारे में। तो पहली एक्सेसरीज के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस, जैसे आपने इस वीडियो में देखा, ये आजकल इंडियन रोड्स में आम हो चुका है। आई थिंक इंडिया ऐसी कंट्री बन चुका है जहाँ पे काफी लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। बट आप ऐसी सिचुएशंस अवॉइड कर सकते हैं अगर आपकी कार में एक डैश कैम इंस्टॉल हो। डैश कैम आज के टाइम में बहुत ही जरूरी फीचर बन गया है यार, और मैं तो मानता हूँ कि कंपनी को ये फीचर इनबिल्ट देना चाहिए अपनी, एटलीस्ट अपने टॉप मॉडल्स में। तो बिकॉज ये फीचर्स आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ आपको कई अनवांटेड, जो आप सिचुएशन में फंसना नहीं चाहते, उन सिचुएशन से आपको बचाता है। तो ये एक बहुत ही जरूरी फीचर है, एंड इस फीचर को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा गाइस। मैं देख रहा हूँ लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं एक्सेसरीज पे, काफी सारे आफ्टर मार्केट चीजें लगाते हैं अपनी कार में, बट इतने एसेंशियल एक्सेसरीज को लोग भूल जाते हैं। मैंने अपनी सारी कार में डैश कैम इंस्टॉल करा रखा है, जो मेरी लाइफ को काफी हद तक ईजी बना देता है। तो गाइस, ये डैश कैम आपको कई फीचर्स के साथ आते हैं। कईयों में आपको फ्रंट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, कई में फ्रंट एंड रियर बोथ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, एंड कई में आप फ्रंट, रियर एंड कार के अंदर की रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको सही लगे, आप उस हिसाब से अपने लिए एक डैश कैम ले सकते हैं, बट आपको डैश कैम लेना चाहिए। डैश कैम आज के टाइम पे एक मस्ट एक्सेसरीज है जो आपकी कार में होनी ही चाहिए। तो गाइस, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा जहां से आप ये डैश कैम बाय कर सकते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं अपनी सेकंड एक्सेसरीज की, वो है टायर इन्फ्लेटर। आज के टाइम पे टायर इन्फ्लेटर होना भी बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप करते हो, अगर आप एक लॉन्ग रूट पे चलते हो, या आपकी हाईवेज में रनिंग ज्यादा है, तो उस केस में आपको अपने साथ एक टायर इन्फ्लेटर कैरी करना बहुत जरूरी होता है। ये टायर इन्फ्लेटर आपको काफी हद तक हेल्प कर देता है अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां पे आपका टायर पंचर हो गया है, और आपको कहीं पे आसपास मैकेनिक शॉप नहीं मिल रही है। उस केस में आप अपने टायर में हवा फिल करके अपना एटलीस्ट अपने जहां तक आपको हेल्प प्रोवाइड हो सकती है वहां तक आप अपना ट्रैवल कर सकते हो। तो ये टायर इन्फ्लेटर आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज हो जाती है जब आपका ट्रैवल लॉन्ग रूट पे होता है, या जब आप हाईवे पे ट्रैवल करते हो। तो टायर इन्फ्लेटर भी आपको कई टाइप से मार्केट में मिल जाएंगे, कुछ मैनुअल आते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आते हैं। मैं दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो गाइस, थर्ड एक्सेसरीज की बात की जाए जो आज के टाइम पे एक एसेंशियल एक्सेसरीज है, वो है आपका टीपीएमएस। जरूरी नहीं है आपकी कार में टीपीएस इनबिल्ट हो, आप ये एक्सेसरीज बाहर से भी लगा सकते हैं, एंड बाहर में भी कई तरह के टीपीएमएस मार्केट में आपको मिल जाएंगे। टीपीएमएस आपको हेल्प करता है कि अगर आपकी कार का टायर प्रेशर कम है, तो आप टीपीएमएस में चेक कर सकते हो कि आपका टायर प्रेशर कितना है, एंड उसकी अगर आपको लग रहा है कि कम है, तो आप इजीली अपने या तो टायर इन्फ्लेटर के थ्रू, या तो किसी पेट्रोल पंप या मैकेनिक के पास जाके अपने टायर में हवा भरा सकते हो। तो टीपीएमएस भी एक मैंडेटरी एक्सेसरीज है जो आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी एक्सेसरीज है यार जो आपको जरूर काम आएगी कभी ना कभी, जब भी आप ड्राइव करो। तो गाइस, जैसे हम सब जानते हैं कि आजकल हमारे कंट्री में पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू हो गया, स्पेशली मेट्रो सिटीज में पार्किंग की दिक्कत सबसे ज्यादा है, एंड कई लोगों को मजबूरी में अपनी कार सड़क में पार्क करनी पड़ती है। एंड उस केस में कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके टायर्स चोरी हो जाते हैं, एंड आपको पता है कि आज के टाइम पे अलॉयज की कितनी कीमत हो गई है। आज के टाइम पे अलॉयज काफी कॉस्टली मिल रहे हैं मार्केट में। अगर बात करूं लग्जरी कार्स की, तो उनके अलॉयज की कीमत तो आप पूछो ही मत। तो अगर गाइस आप भी अपने महंगे अलॉयज की चोरी बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मार्केट में एंटी थेफ्ट अलॉय नट्स मिल जाएंगे, एंड ये आप नट्स आप अपने अलॉय नट्स के साथ चेंज कर सकते हैं, एंड ये आपको हेल्प करेंगे आपकी अलॉयज को सेफ रखने के लिए।
तो गाइस महंगे अलॉय को तो आपने बचा लिया, बट अपनी महंगी कार को कैसे बचाएंगे? तो उसके लिए आपको जीपीएस ट्रैकर चाहिए अपनी कार पे, और यही है हमारी एक एक्सेसरीज। तो जीपीएस ट्रैकर आपकी कार में होना बहुत जरूरी है अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कार सेफ रहे। ये जीपीएस ट्रैकर आपको वायरलेस मिल जाएंगे, इसको आप अपनी कार पे कहीं भी हाइड कर सकते हैं, एंड इसके साथ आप अपनी जीपीएस लोकेशन कहीं पे भी ट्रैक कर सकते हैं थ्रू मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में आप इसके साथ साथ कार किस रूट पे जा रही है, क्या स्पीड है, सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये आज के टाइम पे एक एसेंशियल फीचर है, बिकॉज चोरी के केसेस भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं आज के टाइम पे, एंड कार चोरी बहुत इजीली हो जा रही है। तो जीपीएस ट्रैकर आपकी कार में होना बहुत जरूरी है गाइस। तो ये भी एक्सेसरीज ऐसी एक्सेसरीज है जिसको आपको अपनी कार में लगानी चाहिए। तो गाइस मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको अपनी कार में वही एक्सेसरीज लगानी चाहिए जो आपकी कार के लिए एसेंशियल है और जरूरी है। तो गाइस ये सब एक्सेसरीज है जो आपको अपनी कार के लिए आज के टाइम पे बहुत जरूरी हो गई है, एंड आपको अपनी कार पे लगानी ही चाहिए। तो गाइस अगर आप भी एक्सेसरीज लेना चाहते हैं तो इन सबके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।